अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आ गए हैं हमारे साथ, बोलिए कुछ आप। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? देखा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बोलने में, क्यों आप कंफ्यूज हो गए ना बोलने में? इधर आ जाइए, बोलिए फ्रेंड्स को, आप बोलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो आज देखा जैसे कि मेरी सिस्टर वैकेशन करने आ गए हैं और साथ सुरेन और सीजा भी आए हैं। तो अभी क्या है कि आज भाई के घर खाना की दावत है तो हम वहीं पे जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको वहाँ की ही मिलेगी। तो अभी क्या जाएंगे ना रियाज मम्मा के घर पे तो बच्चे क्या है वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ होते हैं क्योंकि इतना दूर नहीं है। तो फिर क्या बच्चों को मज़ा आता है खेलने का, ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते, इस तरह से बच्चे घर रियाज मम्मा के वहाँ से खाला के घर पे गए, खाला के घर से रियाज मम्मा के घर पे। चलो गाइस, तो आज की वीडियो हम अभी शेयर करेंगे भाई के घर पे। तो देखिए यहाँ पे भाई ने बिरयानी का ऑर्डर दिया था और माशाल्लाह से बहुत सारी बिरयानी बनाई थी। क्योंकि हम सब लोग हैं तो इसलिए भाई ने ऑर्डर दे दिया था बाहर ही। तो अभी यहाँ पे भाई फातिया देंगे और सब हम साथ में हैं आज, भाई बहन और दोनों भाभियाँ सब। तो अभी थोड़ा सा निकाल रहे हैं फातिया जितना, फिर क्या है पूरा सब में फातिया दे दे तो फिर बच जाता है तो बेद भी हो जाती, इसलिए थोड़ा सा इस पर क्या है फातिया दे देंगे। और अभी क्या है कि फिर सब खाना खाने बैठेंगे। तो भाई ड्यूटी पे से आ गए थे और अभी फातिया रखेंगे। तो यहाँ बिरयानी आ गई थी तो बाज़ार से ऑर्डर दे के बनवाया था, इस तरह से था सब। और साथ में बनाया था शालीमार जर्दा, तो जर्दा बहुत अच्छा माशाल्लाह से बना था। देखिए इसका भी आप लोग, बहुत अच्छा टेस्टी बना था और इतना अच्छा था, एकदम क्या इसमें एकदम शुगर नहीं था, बहुत मीठा नहीं था। इस तरह से चेरी ये काली जो द्राक्ष आती है ना वो डाली हुई थी और इसमें, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से बना था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये सब इंतज़ाम किया था भाई ने और सबकी दावत की थी। तो भाई के घर पे मेरी सिस्टर आए ना तो हम सबको बुला लेते हैं भाई, और हम सब साथ में ही रहते हैं। जितने दिन मेरी सिस्टर रहती है ना राजकोट से आती है, तो वैसे भी मैं तो यहाँ पे ही हूँ तो जब दिल करता है तो चली जाती हूँ। और यहाँ पे कचुंबर और नींबू और साथ में थी हमारी छाछ। और यहाँ पे फातिया दे रहे थे भाई, आ गए थे तो वजू करके बैठ गए थे, तो इनके सामने बैठ गए थे सीजा माँ, तो वो भी फातिया देने लगे थे सामने बैठ के, क्योंकि उन्हें आदत है इनके पापा जब घर पे फातिया देते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। तो सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे कि देखो तो कितना माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं अलहमद शरीफ और कलमा शरीफ, कितना माशाल्लाह से पढ़ रहे थे वो। और साथ में भाई लाए थे ये मिठाई और वहाँ पर भी खिलाए, और हम सिस्टरों को और भाई को सबको साथ में एक एक बॉक्स भी दिया था घर पर ले जाने के लिए। और देखिए अभी यहाँ पर टिफिन भर रहे हैं मम्मी का, और सब माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और बच्चों ने बहुत मस्ती की। सब साथ में होते हैं ना वेकेशन में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम हो जाता है, फिर नई नई आइटम घर पे बनाते हैं। और क्या है कि हम सब भाई बहन साथ में रहते हैं वेकेशन में, और बच्चे लोग भी क्या है मामा फूफी के खाला खाला के सब साथ में रहते और बहुत मस्ती करते हैं। और भाभी यहाँ पे खाना निकाल रहे थे और टिफिन पहले दे देते हैं मम्मी का, क्योंकि मम्मी की सीढ़ियाँ क्या है वो चढ़ नहीं सकते, बहुत ही पैर दुख रहे हैं, इसलिए इनका खाना वहीं पे जाएगा। और हम सब यहाँ पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो अभी भाभी हमारे सबके लिए खाना निकालेंगे, तो आपको जो वीडियो है वो स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। बहुत आगे आप देखिए बच्चों की मस्ती वगैरह, तो आप स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और ये रही हमारी छाछ, तो छाछ के बगैर गुजरातियों का क्या है गुजारा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे छाछ भर रही हूँ और भाभी खाना निकाल रहे हैं,
और कचुम्बर वगैरह भी सब हो गया था, वहीं से आया था बन के, जहाँ पे ऑर्डर दिया था ना बनाने का बिरयानी, वहीं से कचुम्बर भी जर्दे के साथ आया था। और माशाल्लाह से बिरयानी इतनी अच्छी थी, ज़्यादा इतनी अच्छी, ज़्यादा टेस्टी थी। ये लंगड़ी न मारे तो भाई मजा।